चल भाई आराम से सो जा। हाय दैया, सो भी गए? ए जी सुनिए, क्या है? पानी पी लीजिए। जाओ तुम पी के सो जाओ। ए जी सुनिए ना, थोड़ा सा पी लीजिए ना। दो। हो गया, ले जाओ। हाय राम, ये फिर से सो गए? ए जी उठिए ना। क्या नाटक लगा कर रखी हो? क्या नाटक है ये सब? अरे मैं आपकी पत्नी हूँ ना। क्या पत्नी पत्नी लगा कर रखी हो? क्या पत्नी हो? एक बच्चा तुमसे पैदा नहीं हुआ, पत्नी हूँ। पूरा गांव हमको नामर्द समझता है। चुपचाप सो जाओ, सुबह उठकर हमको जल्दी काम पे जाना है। चल सो। बाबा की जय हो। आओ कन्या, बैठो बैठो। जीम जीम खीरा। बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? मुस्कान नाम है बाबा। मुस्कान, हेलो, हाउ आर यू? आई एम बाबा। मुस्कान मेरी जान, क्या तेरा कष्ट है कन्या? बाबा, मेरी शादी को 5 साल हो गए, पर अभी भी मेरी गोद खाली है बाबा। घर वाले भी ताना मारते हैं, दिल करता है खुद खुशी कर लूं बाबा। अच्छा बच्ची, ये बताओ कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कितनी बार संबंध बनाता है? बाबा, शुरुआत के 1 साल बहुत अच्छे हुए, पर दूसरे ही साल से उनको काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ा और मैं अभी तक बच्चा नहीं कर पा रही हूँ। वो दूसरी भी रखे हैं। बाबा, जिंदगी झंड हो गई है, अब आप ही कुछ करिए ना बाबा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी? हाँ बाबा, कुछ भी। पति नपुंसक है और मुझे दोषी लगाता है। कन्या, तुम्हारी गोद भरेगी, ये बाबा का वचन है। मैं जो कहूँगा का वो तुम कर पाएगी? हाँ बाबा, मैं इसके लिए कुछ भी करूँगी, बस एक बार आप हुक्म करिए बाबा। जैसे घर में लाइट बंद हो जाती है तो क्या करना पड़ता है? दूसरा बल्ब लगा देते हैं बाबा। ठीक, तेरे जीवन में वैसा ही नया बल्ब लगाना पड़ेगा। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? किसी और को अपना जिस्म कैसे सौंप दूं? तुम जानती हो, ये तो प्रकृति का नियम है। जैसे पुराने पत्ते डाल से टूटकर गिर जाते हैं और नए पत्तों का उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार तेरे जीवन में नया उजाला आएगा। तेरी गोद खुशियों से भर जाएगी, तू राज करेगी रात। हीम जीम खतीरा। बच्ची, तेरे कष्टों का निवारण मिल गया है। ये क्या है बाबा? मूर्ख कन्या, ये बाबा का केला है, खाना बिल्कुल रात में अकेला है। आधा छीलो पूरा ले लो। बाबा की जय हो। जब तक तुम नहीं रहेगी बाबा के साथ सच्चा, तब कैसे होगा बच्चा? बाबा, अब आपके चरणों में मैं खुद को समर्पित करती हूँ। अब इस सूखे पेड़ में आप ही नई पत्ती उगा सकते हैं बाबा। हे सुंदरी, अपने बदन को ऊपर उठाओ और बाबा को गले से लगाओ, ताकि सारे कष्टों का निवारण होगा। उठो बच्ची। मुट्ठी में धलो और कुटिया में चलो।